अमृतसरी चिकन। तो फ्रेंड्स, इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। इसके लिए आधा केजी चिकन ले लिया, इसको अच्छी तरह से धो लिया है, और जो टंगड़ी में जो टंडन्स होते हैं उसको भी काट लिया। देखिए, इसको भी काट के रखना है। ये दोनों हमने काट दिया है। इससे क्या होगा, ये वाइल बॉइलिंग ये टाइट नहीं हो जाएगा, लेग्स तो अच्छी तरह बॉयल होगा, लूज लूज रहेगा। उसके बाद है 3 प्याज मीडियम साइज, 2 टमाटर, धनिया फॉर गार्निशिंग, कर्ड लगेगा थोड़ा फॉर अगेन मैरिनेशन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑयल, थोड़ा सा घी लगेगा, और ये पाउडर्स है, धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्ची और सॉल्ट। और ये है खड़े मसाले, इसमें कसूरी मेथी, जीरा, लवंग, इलायची, दालचीनी और काली मिर्च। मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी आप लोगों के लिए। अब हम चिकन का मैरिनेशन करेंगे। इसके लिए हमने थोड़ा कसूरी मेथी इसका पाउडर इसमें डाल दीजिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने 1 चम्मच डाल दिया है, और ये जो धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्ची और सॉल्ट इसमें डाल देंगे, और जाएगा 1 चम्मच घी और दही। दही करीबन 2 TBSP, हाँ 2 टेबलस्पून डाल दीजिए। बस इसको हम अभी अच्छी तरह मिला लेंगे। और थोड़ा सरसों का तेल भी इसमें डाल दीजिए, और इसको मैरिनेशन के लिए हम 20 मिनट रख देंगे। तो पहले मैरिनेशन की तैयारी कर लें। देखिए कैसे कलर निकला है फॉर मैरिनेशन, चिकन का बढ़िया कलर निकला है। इसको आप 20 आधे घंटे तक रख दे सकते हैं अच्छी तरह से। और हम अभी कटिंग करेंगे प्याज और टमाटर को। तो प्याज को थिन स्लाइस करना है, और टमाटर भी आपको थिन स्लाइस करना है। ये दोनों चीज़ें आप पहले काट लीजिए छोटे छोटे टुकड़े। तो प्याज के छोटे टुकड़े बन गए और टमाटर के भी छोटे टुकड़े बन गए। अरे वाह, बढ़िया। अभी हम पैन में तेल गरम कर लिए, इसमें हमने थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल और मस्टर्ड ऑयल दोनों का मिक्स कीजिए, थोड़ा सा, 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून ईच, सो इट बिकम्स 2 टेबल स्पून। और इसको गरम कर लीजिए और थोड़ा पेशेंस रखिए। अभी हम इसमें चिकन डालेंगे एक एक करके। देखिए ऐसे करके डाल दीजिए, पहले तो टंगड़ी डाल देंगे। डाल दिया, थोड़ा जगह बनाकर, इनको भी थोड़ा रूम चाहिए होता है खुद को फ्राई करने के लिए। बस इसका पीस आप डाल के इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे चिकन को। जी हाँ, आपने दोबारा, मैं बोलती हूँ, भूनेंगे इसको अच्छी तरह। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर निकला है इसका, मैं थोड़ा जूम इन कर दूँ। तो ऐसे कलर आना चाहिए फ्राई का, ठीक है। और इसका खुशबू आ रहा है, लेकिन ऐसा टेक्नोलॉजी अभी आया नहीं कि खुशबू भी आप लोग को आए, तो वो भी आ जाएगा तुरंत। तो लेकिन बढ़िया खुशबू भी निकल रहा है इसका। अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे और बाकी के टुकड़ों को फ्राई कर लेंगे। अब हम सेकेंड राउंड ऑफ चिकन फॉर भुना फ्राई डाल रहे हैं, और इसमें एक पीस लीवर भी मिला था, वो भी हम भुनेंगे, इसको भी हम भून लेंगे। और जो बर्तन में थोड़ा ऐसा रखेगा ना, इसको थोड़ा पानी डाल के अब लास्ट में कैसे भी ग्रेवी के लिए डालेगा वो, तो वेस्ट नहीं जाएगा वो भी। अब इसको हम फ्राई करेंगे। और प्याज को
फिर गोल्डन ब्राउन इसको हम फ्राई करेंगे। देखिए चिकन का हमने अलग से निकाल के रख दिया है, ये अच्छी तरह भून गया। अब हमने कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल एंड घी इसको हम गरम कर लिए। इसमें हम प्याज डाल देंगे और अगेन भूना ओनली, इसको अच्छी तरह भूनेंगे। और ग्रीन चिल्ली मैं तो भूल ही गई थी, एक्चुअली मैं ग्रीन चिल्ली बहुत खाती हूँ और मुझे ग्रीन चिल्ली बहुत पसंद है, तो इसमें हम ग्रीन चिल्ली भी डालेंगे। दो तीन काफ़ी है आपके टेस्ट के हिसाब से। अब हम डालेंगे प्याज। देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब जो खड़े मसाले हमने भून मतलब पाउडर करके रखा था उसको डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिला दीजिए। जो खड़े मसाले हमने डाले थे उसकी अच्छा बढ़िया खुशबू निकल रही थी। तो नाउ द टाइम इज फॉर टमाटर। अब टमाटर को भी हम अच्छी तरह मिला लेंगे और ये एकदम गल जाना चाहिए मसाले के साथ, तब तक आप इसको स्टेयर फ्राई करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, जब आप ये टमाटर को गला रहे हैं इसमें जब फ्राई हो रहा है, और देखना ध्यान रखना थोड़ा पानी के छींटे भी डालिए क्योंकि वो जो खड़े मसाले वो जल ना जाए। थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा एकदम बिल्कुल, हाँ दैट्स इट, इतना डालेंगे बस छींटे, और इसको फ्राई करते रहे। और इसके बाद थोड़ा दही भी जाएगा इसमें, दही को हमने अच्छी तरह फेंट लिया है और इसमें हम डालेंगे थोड़ी देर बाद। देखिए टमाटर गल गए हैं और अब हम दही डालेंगे इसमें। इसको फेंट के डालना अच्छा है, नहीं तो वो फिर बटर बन जाता है अलग। इसको मिला लीजिए तो इट बिकम्स अ थिक ग्रेवी। भुनाई हो चुकी है, इसमें अभी थोड़ा हम नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। अब चिकन भी डाल देंगे इसमें। और इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। फ्रेंड्स अभी कितना अच्छा बढ़िया कलर भी निकल गया है और ये मिक्स भी हो गया, ऑलमोस्ट डन है। हम पानी भी डालेंगे थोड़ा इसमें, ये जो पूरा मसाले वाला पानी इसमें डाल देंगे और मिलाते रहिए इसको। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया कलर निकला है, खुशबू भी बढ़िया निकल रहा है। और इसको हम फॉर अबाउट 15 मिनट्स सिम पे रख देंगे, दम पे। देखिए कवर कर दीजिए और इसको सिम कर दीजिए आँच को फॉर 15 मिनट्स। फ्रेंड्स अभी ये बन गया है अमृतसरी चिकन, इसमें हम गार्निश के लिए धनिया डाल रहे हैं। दैट्स इट, इज रेडी फॉर सर्विंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बनाइएगा आप ज़रूर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, तो और वीडियोस देखने को मिलेगा आपको। थैंक यू।